प्रदूषण की मार सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ रही है, बल्कि क्षेत्र के पालतू पशुओं और उपजाऊ जमीन पर भी प्रदूषण की मार पड़ रही है। खेतों में फसलें होनी कम हो गई हैं और पशु भी प्रदूषित घास पत्ती खाकर बीमार हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन, राजनेता और जिम्मेवार विभागों को दिन रात जहरीला धुआं उगलते इस उद्योगों के बारे में पता नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की विडंबना है कि ना तो कोई प्रदूषण रोकने के लिए उद्योगों के खिलाफ एक्शन ले रहा है, ना ही प्रदूषण की मार झेल रहे बीमार ग्रामीणों की सहायता के लिए कोई हाथ आगे बढ़ रहा है। देश और प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहद कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन बैली आयरन स्टील प्लांट को देखकर लगता है कि इन उद्योगपतियों के समक्ष कोई भी कानून प्रभावी नहीं है। अधिकारी क्या, राजनेता क्या, सबके दर पर शिकायत पहुंची है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ लीतापोती ही की जा रही है। हैरानी की बात है कि यहां ये हालात पिछले कई दशकों से बने हुए, लेकिन सुधार के नाम पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बैली आयरन स्टील प्लांट की कहानी स्वयं ये तस्वीरें बयान कर रही है। लोग अपनी दास्तां कैमरे के सामने बयान कर रहे हैं और प्रदूषण के लिए जख्म भी किसी से छुपा नहीं रहा है। आयरन वैली के पास मेरा घर है, तो यहाँ पे प्रदूषण से बहुत बुरा हाल है। काला धुआं हर समय चला रहता है, जिससे हमारे फसल को भी नुकसान होता है, इंसान को भी नुकसान है, हमारे पशुओं को भी नुकसान होता है इससे, और बीमारी का बहुत खतरा आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को भी खतरा है। और यहाँ से अगर यही हाल रहा तो यहाँ के गाँव घर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। हमारी ये है, मेरा नाम है सुरेश सिंह और हम आयरन वैली के आसपास ही रहते हैं, और हमारे आसपास में वैली का जो धुआं है और हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, और इनका जो लेटरिंग डेट का डस्ट का क्रोनी पे जानी भी रहती है। हमारी 4-5 बीघे जमीन इन्होंने उसमें पानी डाला हुआ है, और जो है हमारे पाँव सड़ चुके हैं। चाहे तो आप मेरे पैर देख सकते हैं, ये देखिए निशान है कि पैर पड़े, दिन में 4 बार भी धोते हैं तो हमारे पाँव ऐसे हो जाते हैं। देखिए एक एक दिन का ये सिस्टम है जी। और फिर हमने इनको कई बार बोला है कि ऐसे करके इनको बंद किया जाए, 10 बार हमने धरने दिए हैं, हमारी कोई पूछ नहीं हो रही है। और रोड में जो पुल बना था उसकी हाइट जो ऊंची करनी थी, तो उन्होंने फैक्ट्री वाले मिल मुल के उसमें भी इन्होंने डाउन कर दिया गया सारा। वह फैक्ट्री गंदा पानी है जो हमारे फसलों में छोड़ा है। अब आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है कि हमारे जो जमीन है वहाँ से गंदा पानी रोका जाए, और ये प्रदूषण है जो इसका सस्ताई समाधान किया जाए। क्या हम बहुत दिक्कत में, बीमारियाँ लग चुकी हैं पशुओं को भी, आदमियों को भी, बच्चों को भी, सबको दिक्कत आ रही बहुत ज्यादा। अच्छा देखना चाहे तो देखो, जो खाने गेहूँ फसल खा रही सारा धुआं अंदर जा रहा और बीमारियां पैदा हो रही। देखना चाहे तो देखो, किसी को कैंसर हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, पशु पटक पटक के मरण लग रहे घास फूला खा के। ये काला धुआं इसमें घास में बैठता है, इसको पशु खाते हैं बेचारे, उन्हें तो खाना ही है। अनाज हम काटते हैं तो काला धुआं पेट में जाता है, उसकी डस्ट जाती है। अगर समाधान नहीं होता आप लोग क्या करेंगे? फिर क्या करना, अभी घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अभी और क्या करेंगे। तो नहीं हो बीमार हो रहे काले हाथों से, समस्या यही है कि भैया धुआं कम हो जाए तो हम लोग को दिक्कतदारी नहीं है। और हाथ भी काले और बीमारियाँ फैल गई घर में, तो बीमारी बहुत ज्यादा धुआं है, अंदर बैठ गया कोई अंगड़ अंगड़ धुआं चल जाए। कौन सी फैक्ट्री? ये बेली फैक्ट्री, बेली फैक्ट्री। हाँ जी यार, 2 साल हो गए मेरे, तो पैर भी ठीक नहीं करा रखा है उन्होंने, यही मेरे चोट लगी, ये कोई देखभाल नहीं कर दे किसी की, नहीं कोई देखभाल नहीं है यहाँ। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हाँ जी आप क्या चाहते हैं? ये धुआं बंद हो जाए, काला धुआं नहीं आना चाहिए खेतों में भी, यार बीमार भी हो रहे पशु भी बीमार हो रहे, आदमी तो बीमार हो ही रहे, फिर पशु भी नहीं बच रहे ये काले धुएं की वजह से। बावजूद इसके प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बेहद बचकाना दलीलें देते नजर आ रहे हैं। बोर्ड के एससी डॉक्टर श्रवण कुमार का कहना है कि ना तो स्टील फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है और ना ही ऐसे किसी प्रदूषण के कारण क्षेत्र के लोगों को इस तरह के कई रोग हो रहे हैं। डॉक्टर कुमार बताते हैं कि स्टील प्लांट प्रदूषण रोकने के लिए निर्धारित मानकों पर खरा उतरा है। उद्योग है उसमें जो है सभी तरह के प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे हुए हैं, उसमें आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का बैग हाउस और उसका सक्शन सिस्टम सब लगाया गया है, और समय समय पर उसकी सैंपलिंग की जाती है, और उसमें काफ़ी सुधार कराया गया पिछले 1 साल से, और भविष्य में यदि कोई समस्या होगी तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। सर लोगों ने ये भी कहा है कि वहाँ पर ना कभी भी चेकिंग नहीं की गई है? हम रेगुलर सैंपलिंग करते हैं, उसका रिकॉर्ड है, और उसका रिकॉर्ड जो है टाइम टू टाइम हेड ऑफिस को भेजा जाता है और हर जगह भेजा जाता है। बाकी सर ये भी कहा कि कभी जब भी हम लोग शिकायत करते हैं उसी टाइम एक बार टीम आएगी, उसके बाद ना तो उनका कोई चलान काटते हैं ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। हम जो है रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, रेगुलर सैंपलिंग करते हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की जाती है।
और जो भी इंस्पेक्शन होती है सरप्राइज की जाती है, उसमें किसी को बताया नहीं जाता।